गोरखपुर में इंडियन ग्रामीण क्रिकेट लीग IGCL के उद्घाटन के लिए आई बॉलीवुड स्टार आलिया भट्ट और वरुण धवन के लिए रीजनल स्टेडियम में भीड़ बेकाबू हो गई। 200 सिपाहियों, 35 दरोगाओं, 15 SO और 3 CO के साथ IG, DIG और SSP की मौजूदगी के बावजूद भीड़ को संभालने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी। कार्यक्रम से दोनों स्टार्स के जाते जाते हल्के बल प्रयोग के कारण मीडिया कर्मियों से पुलिस की धक्का मुक्की भी हुई। भीड़ भाड़ और शोर शराबे के बीच आलिया भट्ट और वरुण ने लोगों को अपना दीवाना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आलिया ने तो भोजपुरी में गोड़ लागत बानी पैर छू रही हूँ कहकर लोगों का दिल जीत लिया। वरुण ने भी गोरखपुर की तारीफ में खूब कसीदे पढ़े। उन्होंने कहा कि गोरखपुर के निवासियों को हम प्रणाम करते हैं, यहाँ पहली बार आए हैं, बहुत खुशी हो रही है इतने सारे युवाओं को देखकर। हम यही कहने आए हैं कि हम आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आलिया और वरुण दोनों ने नौजवानों को खूब पढ़ाई करने, स्पोर्ट्स करने और साथ में अपनी पिक्चरें भी देखने की अपील की। वरुण ने लगे हाथ अपनी और आलिया की आने वाली फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया का प्रमोशन भी किया। गोरखपुर की निवासी को हम प्रणाम करते हैं। गोरखपुर में इंडियन ग्रामीण क्रिकेट लीग IGCL के उद्घाटन के लिए आई बॉलीवुड स्टार आलिया भट्ट और वरुण धवन के लिए रीजनल स्टेडियम में भीड़ बेकाबू हो गई। 200 सिपाहियों, 35 दरोगाओं, 15 SO और 3 CO के साथ IG, DIG और SSP की मौजूदगी के बावजूद भीड़ को संभालने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी। कार्यक्रम से दोनों स्टार्स के जाते जाते हल्के बल प्रयोग के कारण मीडिया कर्मियों से पुलिस की धक्का मुक्की भी हुई। भीड़ भाड़ और शोर शराबे के बीच आलिया भट्ट और वरुण ने लोगों को अपना दीवाना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आलिया ने तो भोजपुरी में गोल लागत बांधी पैर छू रही हूँ कहकर लोगों का दिल जीत लिया। वरुण ने भी गोरखपुर की तारीफ में खूब कसीदे पढ़े। उन्होंने कहा कि गोरखपुर के निवासियों को हम प्रणाम करते हैं, यहाँ पहली बार आए हैं, बहुत खुशी हो रही है इतने सारे युवाओं को देखकर। हम यही कहने आए हैं कि हम आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आलिया और वरुण दोनों ने नौजवानों को खूब पढ़ाई करने, स्पोर्ट्स करने और साथ में अपनी पिक्चरें भी देखने की अपील की। वरुण ने लगे हाथ अपनी और आलिया की आने वाली फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया का प्रमोशन भी किया।